द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर. तो जो आई है पोटैटो ट्यूबर का वो कैसा होता है, रूट बर्ड होता है या शूट बर्ड होता है या फ्लावर बर्ड होता है या एक्सिलरी बर्ड होता है? तो आंसर जो है एक्सिलरी बर्ड्स है. उसके बाद बोलता है सीड फॉर्मेशन. सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है और सीड बन के आ गया है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये है एपोमिक्सिस. ओके. एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगेव अकर्स थ्रू. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है और ये आपको बल्बिल में देखने को मिलेगा. ओके. सो इसका आंसर है बल्बिल्स. देन रिप्रोडक्शन इज अ. तो रिप्रोडक्शन किस तरह का प्रोसेस है? ये एक एनसीईआरटी का लाइन है कि वो फिजिकल प्रोसेस है या फिजियोलॉजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल. तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ओके. एंड देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ. तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा प्रोसेस है? स्लो है, फास्ट है या दोनों है? आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है.